हाँ तो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास ये आते हैं लोगों के, भाई लोगों को सीवी बनाना नहीं आता। अब जो सीवी आप लोग किसी को भेजते हो या मुझे भेजते हो, मतलब बहुत सारे सीवी मुझे भेज रहे हो के नौकरी के लिए, तो मैं उनको इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो सीवी भेज रहे हो, जो 10 रुपये या 50 रुपये दे के किसी से बनवा लेते हो, वो सीवी भाई मेरे यहाँ जॉब नहीं मिलती उन सीवी से। वो सीवी कूड़े के भाव में, उसे फेंक दो, कचरा है वो। अगर आपको सीवी बनानी है, यहाँ जॉब ढूंढनी है और यहाँ आना है, तो उसके लिए एक ही सीवी चलती है, वो है यूरोपास सीवी। अब वो यूरोपास सीवी बनती कैसे है, वो उसके लिए मैं आपको वो दिखाऊंगा कैसे बनती है, ठीक है। अगर आपके पास यूरोपास सीवी है तो आप खुद से भी जॉब ढूंढ सकते हो, फ्री में इधर आ सकते हो, समझिए नहीं, फ्री में खुद से जॉब ढूंढो, खुद से एम्प्लॉयर गूगल पे जाओ, सर्च करो कंपनी कौन कौन सी कंपनी है, ठीक है, उनकी ईमेल आईडी निकालो, ईमेल आईडी निकाल करके उनको मेल करो, तभी आपको जॉब मिलेगी फ्री में। लेकिन सीवी यूरोपास होना चाहिए, चाहे तुम्हारा कोई सा भी सीवी बनाओ, बहुत अच्छा दिख रहा हो, तुम्हारी नज़र में बहुत बढ़िया, नहीं, सीवी चलेगा। यहाँ पे जॉब लेनी है तो यूरोपास सीवी ही बनाना होगा आपको। अब पूछ कुछ बोलेंगे, नहीं भाई यूरोपास सीवी में ऐसी क्या बात खा जाते हैं, भाई यहाँ पे नहीं, हर कोई सीवी नहीं चेक करता, यहाँ हज़ारों सीवी आते हैं, लाखों सीवी आते हैं। अब वो लेंगे उसी बंदों को जो जिसका कोड वर्ड उसमें मैच कर जाएगा, ठीक है ना, वो चेक करते हैं भाई सिस्टम में डायरेक्टली, वो कोड डालते हैं, हाँ जैसे उसको वेटर चाहिए, वो वेटर लिखेगा, उसमें आ जाएगा वेटर, ओके। और बताओ बनती कैसे है, मैं बताता हूँ। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। सबसे पहले गूगल पे जाना, गूगल पे आ जाओ, गूगल पे आने के बाद लिखो यहाँ पे यूरोपास सीवी लिखा आपने, कलेक्ट किया। यूरोपास सीवी लिखने के बाद सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा क्रिएट यूरोपास प्रोफाइल, इस पर चले जाओ। चीज़ बता दूंगा मैं कैसे बनता है यूरोपास सीवी आज। तुम बहुत क्वेश्चन करते हो भाई क्या है ये, और तुम का ज़्यादातर बंदों को तो मालूम भी नहीं है यूरोपास होता क्या है। तो मेरे भाई, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है तो ये सब चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी। क्रिएट एन अकाउंट तुम्हारा जो भी है, अब इसमें डाल दो तुम्हारा नाम क्या नाम, जैसे मेरा नाम है औरंगजेब, ANG औरंग, लास्ट नेम मेरा, वैसे मेरा लास्ट नेम शेख है लेकिन मैं जेब डालता हूँ क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट पे यही है, ठीक है। ईमेल आईडी जो तुम्हारी ईमेल आईडी है, ये मेरी ईमेल आईडी है, कंफर्म ईमेल आईडी, इस पर भी दोबारा से वही ईमेल आईडी डालो औरंग, ठीक है, zeb.az64@gmail.com। अब भाई लैंग्वेज इंग्लिश है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद क्रिएट करो, क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे, यानी थोड़ा टाइम लेगा, तो जैसे ही वो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे उसके बाद ये आपको मैसेज आता है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, यू विल बी रिसीव एन ईमेल अलाउ योर कंप्लीटेड रजिस्टरिंग प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, आपको जो ईमेल आईडी आपने दी थी उस ईमेल आईडी पे आपको जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना ईमेल खोलोगे आपको एक इस तरीके का मेल आएगा, योर पासवर्ड औरंगजेब, यू हैव बीन रजिस्टर्ड ईयू लॉगिन, ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी है, टू क्रिएट योर पासवर्ड फॉलो दिस लिंक, ओके। तो आपको पासवर्ड के लिए इस लिंक पे क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी पासवर्ड है, आप जो भी बनाना चाहते हो, थोड़ा हार्ड बनाना, मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं पासवर्ड या कुछ भी, चलो मैं दिखा देता हूँ, जैड कुछ भी बना सकते हो। मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, मैं इस पर सबमिट पर क्लिक करूँगा, मैं जैसे सबमिट करूँगा मेरा पासवर्ड जो है, इसका मेल आया था कि मुझे इसका योर यू लॉगिन पासवर्ड वाज सक्सेसफुल चेंज। अब मैं यहाँ पे जा करके प्रोसीड कर दूँगा, जैसे ही प्रोसीड करूँगा ये ऑटोमेटिकली मेरी एक प्रोफाइल खुल जाएगी यहाँ पे, और ये जो मेरी प्रोफाइल है ये मेरी हमेशा के लिए प्रोफाइल बन गई अब यहाँ पे। तो ये जो होता है ना, इसका फ़ायदा ये होता है, मैन्युफैक्चरिंग में मेरे को अभी नहीं चाहिए, अब मेरे को अभी जस्ट क्रिएट माय प्रोफाइल ऑलरेडी अपलोड माय यूरोपास सीवी, तो मैं जाऊँगा क्रिएट माय प्रोफाइल, मैं स्टार्ट करूँगा क्रिएट माय प्रोफाइल से, ठीक है। इंग्लिश माय नेम, मेरा जो भी नाम है, AURANG औरंग, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मेरी जो है, जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूँ अभी, जो आपको डालनी है कुछ भी डाल दो, ठीक है, कुछ भी डाल दो, जेंडर मेल, मेरा लास्ट नेम जेब है,
नेशनैलिटी जो है आपकी, वैसे तो अगर इंडियन है तो इंडियन डालो, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी डालो, यहाँ सर्च करो, बांग्लादेशी है तो बांग्लादेशी, नेपाली है तो नेपाली। ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल एड्रेस है वो डालो आप अपना, जो मेरा ईमेल एड्रेस है जो भी है, ठीक है। फ़ोन नंबर आपका कहाँ का, मोबाइल नंबर, मेरे को मोबाइल नंबर डालना है तो मोबाइल नंबर डाल दो, इंडिया, मैं इंडिया का नंबर डालना चाहता हूँ तो इंडिया, अगर मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया का, बाकी आप जिस कंट्री में हो वहाँ का डाल सकते हो, मैं कुछ भी डाल देता हूँ। जैसे यहाँ का एड्रेस मेरा जो है, जो भी मेरा एड्रेस है, घर का क्या एड्रेस है, तुम्हारे अपने घर का, जहाँ रहते हो आप इंडिया का, अगर आप इंडिया रहते हो तो इंडिया का, दुबई में रहते हो भले से आप इंडिया से हो तो दुबई का डालोगे इसमें, ठीक है। सिटी वगैरह, कंट्री वगैरह, सब ये सब डाल दोगे। ये आप नेक्स्ट पे करोगे, आपको ये पूछेगा वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, ठीक है। जैसे आपने कहाँ काम किया है तो इसमें आप डाल दो, किसी कोई जो सी आपकी पोजीशन थी पिछली कंपनी में, जैसे अगर आप वेटर थे तो वेटर डाल दो, क्लीनर थे तो क्लीनर डाल दो, या सुपरवाइज़र या मैनेजर, जो भी आपकी पोजीशन है, या वेल्डर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, जो भी आपकी पोजीशन है वो यहाँ पे डाल दो। एम्प्लॉयर, जो आपकी कंपनी है वो यहाँ पे डाल दो, जो सी आपकी कंपनी हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। सिटी, कौन सी सिटी में, कौन सी कंट्री में काम कर रहे हो, वहाँ की कंट्री, और जो कहाँ, कब से कब तक का काम किया है, इसमें दिन, महीना, साल, किस कब स्टार्ट किया था, उसके बाद कब तक किया है, या अगर कर रहे हो तो ऑन गोइंग पे क्लिक कर दो कि हाँ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हो आप, मतलब हाँ क्या काम करते हो, तो गूगल से भी सर्च करके, जैसे उसके बाद फिर आप नेक्स्ट कर सकते हो। तो जैसे आप नेक्स्ट करोगे आपको ये पेज खुल जाएगा, आपकी लैंग्वेज क्या है। जैसे मेरी लैंग्वेज मदर टंग जो है मेरी वो हिंदी है, तो मैं हिंदी पे क्लिक कर दूँगा। अदर लैंग्वेज क्या है, जैसे मेरी अदर लैंग्वेज, अगर आपकी अदर मदर टंग है तो अदर भी डाल सकते हो। अदर लैंग्वेज इंग्लिश आती है तो इंग्लिश डाल दूँगा। लिसनिंग, इसमें आपको कितनी इंग्लिश आती है, बेसिक है या थोड़ा बात कर लेते हो, उस हिसाब से, अपने हिसाब से, या आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब इतना समझ जाते हो, तो जैसे जिसको जितनी अच्छी आती है उतने हिसाब से डाल सकता है, ठीक है। जैसे रीडिंग कैसे कर लेते हो तुम, स्पीकिंग बोलने में कैसे हो, स्पोकन में कैसे हो, जो भी है अपना इस हिसाब से डाल देना। राइटिंग में कैसे हो, ठीक है, लिखने में कैसे हो, ठीक है। कोई स्किल्स वगैरह हैं तो वो डाल सकते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आता है तुम्हें, वर्ड वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे आपको एक नया पेज खुल करके देगा कि ऐसे करके कि हाँ आपने ये काम किया है, इतने ऐसे आपका सी। यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर लगा सकते हो आप अपने, उसमें से चाट करके पिक्चर अच्छी सी लगाना है। ये नहीं है कि भाई अच्छा सा सूट वूट पहन के, नहीं है सूट वूट नहीं है, कम से कम टाई पहन करके अच्छा सा आप लगा सकते हो, ताकि दिखना चाहिए बंदा कि हाँ बढ़िया सा लग रहा हो, ठीक है। मैं लगा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, तो उस हिसाब से आप लगा लेना, ठीक है। अगर आप ऑल भी सेक्शन भरना चाहते हो तो भर सकते हो, ठीक है। और एक्सपीरियंस में किसी को और कुछ डालना, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस और एजुकेशन वगैरह सब डाल सकता है, कितने कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने, वो सब डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। एड वर्क एक्सपीरियंस और अगर और चाहते हो तो, ठीक है। अगर मेरे को नहीं करना इतना ही है तो मैं क्रिएट योर CV नाउ। अब मैं अपनी CV पे क्रिएट हो जाता हूँ, क्रिएट करने के लिए जाता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट करने के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट फ्रॉम प्रोफाइल पे जाऊँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल बना ली है तो मेरे को दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे ओके कर दूँगा, मैंने फ़ोटो नहीं डाला है लेकिन मैं ओके कर दूँगा। डू यू वांट टू एडिट, नो थैंक्स, मेरे को एडिट नहीं करना है। अभी मेरे से पूछेगा कि तुम्हें कौन सा फॉर्मेट चाहिए। देखो ये ऑलरेडी मेरी CV तैयार हो गई है यहाँ पे, औरंगजेब मेरा ये ऐसे जो भी है, फिर ये यहाँ पे जाओ, ये दूसरा फॉर्मेट मेरे को दे देता है, ठीक है। और ये जिस पे जाओगे तो ये तीसरा फॉर्मेट दे देता है। मैंने पिक्चर डाली नहीं है इसलिए मेरी पिक्चर आ नहीं रही है, लेकिन आप डालोगे तो पिक्चर आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो ये आपकी CV रेडी है। आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद आपकी CV जो है आपके हाथ में आ जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपना जो भी है डाउनलोड करके और प्रिंट करा लें, या अपने पास एक सॉफ्ट कॉपी रखें और इसके थ्रू अप्लाई करें। मेरे भाई ये फ्री में तरीका बताया मैंने कि कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है।
तो ये था फ्री तरीका कि सीवी कैसे बनाते हैं यूरोपास सीवी। अब इतना इजी है, इसी की इसी चीज़ के लिए लोग बाग जो है ना 2-2 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। कुछ है नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा टाइम देना है, 5-10 मिनट, और सीवी आपकी होगी तैयार। कुछ था नहीं था, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ अपना टाइम वेस्ट मत करो, आराम से जो है देख करके यूरोपास सीवी बनाओ, जो मैंने वीडियो में हर एक चीज़ डिटेल के साथ तुम्हें बता दी है। ऐसे यूरोपास सीवी बनाओ, उसके बाद जॉब ढूंढो। मैं डेफिनेटली 110% बोलता हूँ कि इस सीवी के पास, इस सीवी के थ्रू आपको बहुत जॉब का ऑफर लेटर आने लग जाएंगे और आप पागल हो जाओगे, इतनी जॉब आएंगी आपके पास। तो जॉब लेना बहुत ईजी है, लेकिन हम जो हमारा जो सीवी है पहले हमें उसे चेंज करना चाहिए, और प्रोफाइल पिक्चर अच्छी लगाना, जो दिखने में टाई वाई लगा करके बढ़िया सा बंदा दिखाई दे, थोड़ा प्रोफेशनल, बाल वाल कटा करके अच्छे से, ये नहीं कि भाई कैसे भी, अच्छे से दिखना चाहिए। और उसके बाद ट्राई करो, मैं श्योर श्योरिटी के साथ बोलता हूँ 110% आपको जॉब मिलेगी। दूसरी चीज़ ये, अगर तुम्हें जॉब खोजनी नहीं आती तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियो देखना, जॉब कैसे देखते हैं, ठीक है। मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी कि जॉब कैसे देखते हैं, और मैं तुम लोगों को जॉब दिला के रहूँगा फ्री में। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात, जो बंदे जिसको जल्दी आना है, बोल मतलब जिसे ये सब चीज़ें नहीं करनी, भाई बोलना भाई मैं कोई मेहनत नहीं करनी, मुझे तो बस बुला लो, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, कंसल्टेंसी है मुंबई में, तबरेज़ मलिक कंसल्टेंसी, उसके थ्रू भी आप आ सकते हो। वो बंदा जो है जैनवेन है, यूरोप अगर आप आ जाओगे तो उसके थ्रू आप आ सकते हो, उसके थ्रू काम कराओ। एक मुझे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जैसा वो बंदा है, तो अगर आप उसके थ्रू आते हो तो बहुत अच्छा है। तबरेज़ मलिक कंसल्टेंसी, अभी हैदराबाद में सेमिनार भी किया उन्होंने, तो काफ़ी लोग से मिले जुले हैं और उनसे जानते हैं कि भाई लाइफ में क्या करना है, नहीं करना है, कहाँ सेटल होना है, नहीं होना है। क्योंकि सऊदी दुबई कब तक भागते रहोगे, 1000-2000 दिरहम के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, इससे अच्छा यहाँ पे आकर के थोड़ा पैसा कमाओ, सैलरी अच्छी है, लाइफ सेटलमेंट है, पासपोर्ट वासपोर्ट मिल जाता है, फैमिली बीवी बच्चे सब रह सकते हो, अगर नेशनलिटी अगर आप ले लेते हो तो। मैं यही बोलूँगा कि आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि थोड़ी मेहनत करो या तो थोड़ा पैसा खर्च करके, सबसे बढ़िया है। और दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्री में जॉब कैसे देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए चलो लाइफ, हाँ जाने से पहले भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल, ठीक है। चलो बढ़िया, ठीक है।